मैं श्रीकांश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के स्मॉल लर्निंग ट्यूटोरियल में अपन सीखेंगे ब्लेंडर के डिफरेंट सिलेक्शंस के बारे में इन एडिट मोड। ब्लेंडर में एडिट मोड के अंदर थ्री मेन सिलेक्शंस होती है, फर्स्ट वर्टेक्स सिलेक्ट, सेकंड एज सिलेक्ट एंड थर्ड फेस सिलेक्ट। यहाँ पे आपको सारे शॉर्टकट शो होते रहेंगे जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। बट वीडियो में आगे बढ़ने पहले एक छोटी रिक्वेस्ट, अगर चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें एंड लाइक माई वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसी लगी और वीडियो को शेयर भी करें और प्रेस दी बेल आइकन ऑल्सो। जब भी चैनल में नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख पाए। और प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें कि जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन या की शॉर्टकट में साउट ना हो, इसलिए प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें। तो थैंक यू। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। जो मेरी पिछली वीडियो थी सिलेक्शन टूल वाली, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आपको यहाँ पे आई बटन वीडियो लिंक शो हो रही होगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मैंने उसमें काफ़ी हद तक सिलेक्शन टूल्स के बारे में बताया अच्छे से, तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें एक शॉर्टकट था लासो सिलेक्शन टूल का, मैंने उस वीडियो में नहीं बता पाया था तो इस वीडियो में बताना चाहूँगा। सिंपल, अगर आप किसी भी सिलेक्शन टूल में रहते हैं, ट्यूब टूल या सर्कल टूल या बॉक्स टूल में, आप डायरेक्ट लासो सिलेक्शन टूल को यूज़ कर पाएंगे। उसमें शॉर्टकट ये है कि कंट्रोल प्लस राइट क्लिक के जरिए आप लासो सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ट्यूब टूल में हूँ, अगर आप कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे और राइट क्लिक के साथ अगर आप ड्रैग करेंगे तो मैं लासो सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट यूज़ कर पाऊंगा और सिलेक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं बॉक्स टूल में भी रहता हूँ तो यहाँ से भी सिलेक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। सर्कल टूल में भी आप कर सकते हैं। इसमें अगर आपको पता ही होगा कि जैसे मैं अगर शिफ्ट के साथ आप जैसे मैं सिलेक्शन क्रिएट करता हूँ, अगर आपको और मैं दूसरी सिलेक्शन क्रिएट करता हूँ तो पिछली सिलेक्शन हट जाती है। बट इसमें ऐसी ज़रूरत नहीं होता है, इसमें बिना शिफ्ट के आपको शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं होती मल्टीपल सिलेक्शन क्रिएट करने के लिए। और आप इसमें शिफ्ट के जरिए बट आप इसमें डी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कंट्रोल के साथ आप जैसे शिफ्ट होल्ड करके रखेंगे और सिलेक्शन क्रिएट करेंगे तो आप डी सिलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। ओके, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे ये ऑरेंज जो हाईलाइटेड होता है वो उसका जो वो ये शो करता है कि ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, और जो लाइट ऑरेंज सा हाईलाइट होता है इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड के साथ साथ एक्टिव भी है। तो मेरे को इतना ही बताना, तो कम बैक टू द मेन वीडियो टाइटल। तो अभी अपन ऑब्जेक्ट मोड में, आप यहाँ से देख सकते हैं ऑब्जेक्ट मोड। तो एडिट मोड में जाने के लिए सिंपल, इसमें आप क्लिक करेंगे तो जो पैनल ओपन होगा, आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एडिट मोड के ऊपर, तो आप यहाँ से एडिट मोड में जा सकते हैं। तो और इसका शॉर्टकट भी है, अगर आप ऐसी टैब की प्रेस करेंगे तो आप एडिट मोड में जा सकते हैं। तो एडिट मोड में तीन मेन सिलेक्शंस होती हैं, एक सिलेक्ट होती है, फर्स्ट होती है वर्टेक्स, सेकंड होती है एज और ये थर्ड होती है फेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्टेक्स है, ये सेकंड एज है, ये थर्ड फेस है। ओके, और अगर आपको इस एडिट मोड के अंदर सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करना, मतलब पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, तो आप जैसे ए प्रेस करेंगे तो पूरे ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर पाएंगे। और ऑल्ट ए के जरिए आप डी सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर मैं दोबारा एक और डी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, और अगर यू कोड में कहीं भी आप ब्लैंक एरिया में आप क्लिक करते हैं तो आप फिर भी डी सिलेक्ट कर पाएंगे। और एक और डी सिलेक्ट का है, अगर आप डबल ए प्रेस करेंगे तो तब भी आप डी सिलेक्ट कर पाएंगे। आप मतलब तीन तरीके से आप डी सिलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। और इसका यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे सिलेक्ट का आप देख सकते हैं, सिलेक्ट के सारे इसमें वो शॉर्टकट्स होते हैं और ऑप्शन होते हैं सिलेक्ट करने के ऑब्जेक्ट को। ऐसे ही आप यहाँ जाएंगे, आप देखेंगे ऑल लिखा है, ऑल मतलब ऑल सिलेक्ट, और ए से आप इसका शॉर्टकट यहाँ पे लिखा है ए। ऐसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। और दोबारा सिलेक्ट में आएंगे, यहाँ लिखा है नन, मतलब डी सिलेक्ट, और यहाँ लिखा है ऑल्ट ए का शॉर्टकट, ऑल्ट ए शॉर्टकट। जैसे इसके पे क्लिक करेंगे तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें एक और सिलेक्शन होती है इनवर्ट सिलेक्शन। अगर मैंने ये सिलेक्शन क्रिएट करी, ऐसे मैंने ये सिलेक्शन क्रिएट करी और मेरे को इसकी अपोजिट सिलेक्शन क्रिएट करनी है, मतलब इनवर्ट सिलेक्शन क्रिएट करनी है, तो अगर मैं कंट्रोल आई ब्रेसी प्रेस करूंगा तो मेरे को ये इनवर्ट सिलेक्शन क्रिएट करके दे देगा। और इसी सिलेक्ट पैनल में इसका ऑप्शन भी एक और यहाँ पे है, जैसे ये लिखा इन्वर्ट और इसका यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है कंट्रोल आई। इसके बाद वापस मैं क्लिक करूंगा तो ये कंट्रोल आई इन्वर्ट सिलेक्शन आपको क्रिएट करके दे देगा। तो अभी ये तो मेन थोड़ी बहुत सिलेक्शन होगी, कौन कौन सी सिलेक्शन होती हैं, और इसमें अपन आप देखेंगे वर्टेक्स में कैसे सिलेक्शन कर सकते। तो अपन वर्टेक्स में, ये वर्टेक्स हो गई,
अगर आपको सिंपल इसमें बेसिक सिलेक्शन क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और शिफ्ट के साथ मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, और शिफ्ट के साथ अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो आप डी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट और एक्टिव ऑब्जेक्ट के बारे में, इसमें भी वैसा ही है। अगर आप जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, अगर जो ऑरेंज हाईलाइटेड है, जैसे ये ऑरेंज हाईलाइट, ये ऑरेंज हाईलाइटेड है, इसका मतलब ये सिलेक्टेड है। और जो ऑरेंज से थोड़ा डिफरेंट हाईलाइटेड होता है, जैसे ये व्हाइट हाईलाइट हो रहा है, मतलब तो ये सिलेक्टेड के साथ साथ एक्टिव भी है। एक्टिव का काफी इम्पोर्टेंस होता है ब्लेंडर में। आप अगर आप बिगनर है तो आपको पता नहीं होगा, बट इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल वालों को पता होता है एक्टिव का काफी इम्पोर्टेंस आता है ब्लेंडर में। तो मेरे को दूसरे सॉफ्टवेयर का नहीं पता। तो जो मेन बेस, तो जो बेसिक सिलेक्शन हो गए, तो इसमें मेन थ्री सिलेक्शन होती हैं। तो एक पहली होती है लूप सिलेक्शन, थर्ड होती है रिंग सिलेक्शन, और सॉरी सेकेंड होती है रिंग सिलेक्शन, और थर्ड होती है शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्शन। तो पहले अपन लूप सिलेक्शन देख लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक ये लूप देख रहा होगा, ये आपके जो टोरस है, इस टोरस में ये लूप जा रहा है, ये पूरा एक लूप जा रहा है। अब इसको अगर इस लूप को मेरे को सिलेक्ट करना है, अगर मैं शिफ्ट के जरिए अगर मैं बार बार क्लिक करूंगा तो ये मेरे को बार बार क्लिक करना पड़ेगा, और ये टाइम ऑफ वेस्ट भी है। तो इसका शॉर्टकट है ऑल्ट, ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक। अगर अगर वर्टिकली लूप को सिलेक्ट करना है, तो इन दोनों वर्टेक्स के बीच में, इन दोनों वर्टेक्स के बीच में मेरे को रख के कर्सर को, जैसे ही मैं इन दोनों वर्टेक्स के बीच में जैसे ही मैं रख के ऑल्ट होल्ड करके जैसे ही क्लिक करूंगा, तो ये पूरा लूप मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। ये वर्टिकली आपको इम्पोर्टेंट रहेगा कि अगर आप ऐसे में को सिलेक्ट करना है तो इन दोनों वर्टेक्स के बीच में होना चाहिए, मतलब इन दोनों वर्टिकली डायरेक्शन में आपको कर्सर होना चाहिए। अगर आपको हॉरिजॉन्टली आपको सिलेक्ट करना, अगर मेरे को जैसे जे वाले लूप मेरे को सिलेक्ट करना है, जे लूप जा रहा है, अगर मेरे को इस लूप को अगर सिलेक्ट करना है, सिंपल मेरे को कर्सर ऐसे रखना पड़ेगा, और इन दोनों वर्टेक्स के बीच में जैसे मैं ऑल्ट होल्ड करके जैसे ही क्लिक करूंगा, तो ये मेरी लूप मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। और इसमें भी शिफ्ट के साथ आप मल्टीपल लूप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको सिंपल शिफ्ट होल्ड करके रखना है, ऑल्ट को होल्ड करना है, और क्लिक करेंगे तो आप मल्टीपल लूप आप सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक। और डी सिलेक्ट करने के लिए अगर दोबारा वैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो डी सिलेक्ट हो जाएगा, ऑल्ट ऑल्ट शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक के साथ। तो ये हो गया आपका लूप सिलेक्शन। और सेकेंड होती है रिंग सिलेक्शन। रिंग में का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक। रिंग में आपको बता दें कैसी रिंग, हमें जैसे कंट्रोल प्लस ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक में रखकर क्लिक करता हूँ तो ये रिंग सिलेक्ट हो गई, इसको रिंग कहेंगे। लूप जो सिंपल एक लूप होता है, ये आपकी रिंग कहलाएगी। ये आपकी हॉरिजॉन्टल रिंग हो गई कंट्रोल प्लस ऑल्ट लेफ्ट क्लिक के साथ। अगर मेरे को वर्टिकल सिलेक्ट करना है तो यहाँ रख के मैं ऐसे ही क्लिक करूंगा तो ये वर्टिकल रिंग आपको सिलेक्ट करके दे देगा, ये रिंग कहलाएगी। इसमें भी आप शिफ्ट के साथ रख के कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट तीनों, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट आप जैसे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट के साथ आप करेंगे तो आप ये मल्टीपल आप सिलेक्ट कर पाएंगे, और बार बार क्लिक करेंगे तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, डी सिलेक्ट हो जाएगा। और मैंने एक और थर्ड बताया था शॉर्टेस्ट पाथ वाला। तो थर्ड शॉर्टेस्ट पाथ का सिंपल ऐसा है कि अगर मेरे को, जैसे मैं बताता हूँ, अगर मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट किया और मेरे को यहाँ तक सिलेक्ट करना है, तो अगर मैं ऑल्ट के साथ करूंगा तो ये पूरा सिलेक्ट करके देगा, बट मेरे को यहाँ से यहाँ तक ही सिलेक्ट करना है। शिफ्ट के साथ करूंगा तो बार बार मेरे को क्लिक करना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं चाहिए। तो आप जैसे ही इसको क्लिक करिए और कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे, यहाँ रख के जैसे ही आप कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करेंगे तो यहाँ तक आपका लूप सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब जी सॉरी शॉर्टेस्ट पाथ आपको फाइंड करके जी सिलेक्ट करके दे देगा। शॉर्टेस्ट पाथ आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया और उसके बाद अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके एल्गोरिथम के जरिए ये आपको यहाँ तक सिलेक्शन क्रिएट करके दे देगा। लूप का आपको ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाएगा सिलेक्ट पैनल के अंदर, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा जी सिलेक्ट लूप। ये एज में, मैं आपको एज में बता देता हूँ। जैसे आपको अगर यहाँ से ये एज, अगर आप तीनों को अगर इसमें अगर ऐसे प्रॉब्लम जा रही कि बार बार इसमें जो वर्टेक्स पर यहाँ जाके ये एज पे यहाँ जाके फेस, इसका शॉर्टकट है आप जो ऊपर कीबोर्ड में नंबर रो होती है ऊपर तरफ 1 2 3, जैसे मैं 2 प्रेस करूंगा तो ये एज में शिफ्ट हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो शॉर्टकट। अगर मैं 3 प्रेस करूंगा तो फेस में, अगर 1 प्रेस करूंगा तो
एज में। और आपको एक और शॉर्टकट है, अगर आप शिफ्ट के साथ इनमें क्लिक करते हैं, दोनों इसमें क्लिक करते हैं, तो आप एट द सेम टाइम वर्टेक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और एज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इन तीनों को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं शिफ्ट के साथ अगर रखूंगा तो ये वर्टेक्स सिलेक्ट होगा, ये एज भी होगा, ये फेज भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। वैसे आप कुछ भी आप कर सकते हैं। अगर मैं वर्टेक्स बंद कर देता हूँ एज और आपसे फेस, अगर मैं वर्टेक्स के साथ फेस करता हूँ, अगर फेस पर एज सिलेक्ट वर्टेक्स सिलेक्ट कर फेस सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो माउस के जरिए हो गया। और आप शिफ्ट शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं। अगर शिफ्ट दबा के रखेंगे वन, अगर टू और टू अगर जैसे होंगे और टू और थ्री ये हो गया, और अगर थ्री मैंने बंद कर दी और ये वन, ये शिफ्ट वन आप देख सकते हैं। तो आप शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं, शिफ्ट वन टू थ्री अगर आप कॉम्बिनेशन बना के कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको एज में बता देता हूँ। एज में भी सेम ही है, लूप सिलेक्शन, ये आपका लूप सिलेक्ट हो गया ऑल्ट के साथ, ये कॉल लूप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये लूप सिलेक्ट हो गया ठीक। और इसमें आप मल्टीपल लूप सिलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट ऑल्ट ठीक। और इसमें भी रिंग वैसे ही शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट के साथ आप रिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। रिंग इसमें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, आपको ऐसी रिंग सिलेक्ट करके देगा, जो हॉरिजॉन्टल रिंग हो गई और ये आपकी वर्टिकल रिंग हो गई, कंट्रोल ऑल्ट ठीक। कंट्रोल ऑल्ट शॉर्टकट याद रखिएगा, कंट्रोल ऑल्ट। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैंने ये एज सिलेक्ट करी, मेरे को ये अलग लूप मेरे को सिलेक्ट करना है, मैं ये अलग लूप सिलेक्ट करता हूँ, मेरे को ये लूप सिलेक्ट करना है सिंपल। आप यहाँ से लूप स्टार्ट करना है, सिलेक्ट करने का यहाँ सिलेक्ट पैनल में जाएंगे, ऐसे ही आप सिलेक्ट लूप लिखा है और यहाँ एज लूप जैसे आप करेंगे तो ये आपको लूप आपका एज लूप आपको सिलेक्ट करके दे देगा ठीक। और इसमें अगर मेरे को यहाँ पे वापस करके अगर सिलेक्ट सिलेक्ट लूप, अगर मैं एज रिंग करता हूँ तो मेरे को ये एज रिंग सिलेक्ट करके देगा। इसके यहाँ से भी अगर आप करेंगे तो सिलेक्ट एज सिलेक्ट लूप और एज रिंग, तो ये आपको ऐसी रिंग क्रिएट करके देगा ओके। इसमें सॉरी मैं वर्टेक्स में एक चीज बताना भूल गया। अगर आप जैसे मैंने ये सिलेक्शन क्रिएट, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, इसके बाद मैंने ये शिफ्ट के साथ ये सिलेक्ट किया, अगर मैं शिफ्ट कंट्रोल और नम पैड में जो प्लस है अगर मैं उसको प्रेस करूंगा तो मेरी सिलेक्शन इंक्रीज होगी, ऐसे आप देखते जाएंगे इंक्रीज होगी, और जैसे मैं माइनस करूंगा तो ये डिक्रीज होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि ऑल्ट के साथ आप एक बार में पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, या कंट्रोल के साथ रख के आपको जहां तक चाहिए वहां कर सकते हैं। बट मैं एक और चीज बताऊंगा, वो चीज आप ऑल्ट और कंट्रोल के साथ नहीं कर सकते, बट एक और चीज कर सकते हैं। जैसे आप शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, अगर मैं अब शिफ्ट कंट्रोल प्लस दबाऊंगा तो ये गैप मेंटेन रहेगा और उसके बाद ये सिलेक्ट करेगा, फिर से मैं शिफ्ट कंट्रोल प्लस करूंगा तो ये ऐसा गैप मेंटेन रख के चलता जाएगा और करता जाएगा आपकी सिलेक्शन के। आप देख सकते हैं और मेरी सिलेक्शन क्रिएट हो गई है, ये मेंटेन है। आप इसमें जितना भी आप कह सकते हैं, दो का गैप देखे, अगर मैं क्लिक करता हूँ फिर शिफ्ट कंट्रोल करता हूँ प्लस, तो ये दो का गैप वो मेंटेन है, माइनस करूंगा तो डिक्रीज होगा। इसका भी आपको शॉर्टकट यहाँ मिल जाएगा, सिलेक्ट जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ ये पे एक और सिलेक्ट करिए। आपको एक पेयर बनाना जरूरी है इसमें, कि आपको पेयर बनाना पड़ेगा, मतलब दो वर्टेक्स, मतलब दो पेयर तो हमेशा दो किसी भी चीज के बीच में होता। ऐसे आप सिलेक्ट जाएंगे, सिलेक्ट या मोर, हाँ ये सिलेक्ट मोर में, जैसे ही सिलेक्ट मोर लेस में आएंगे ये नेक्स्ट एक्टिव, मैंने आपको बताया था एक्टिव का काफी इंपॉर्टेंस है, ये एक्टिव, ये एक्टिव है, इसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिव के बाद जो आएगा, ये यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट सिलेक्ट मोरनेस, ये नेक्स्ट एक्टिव, एक्टिव के बाद ये यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके मिलेगा। और इसी में यहाँ पर है सिलेक्ट मोर में प्रीवियस एक्टिव, एक्टिव के जो पिछला एक्टिव था उसके लिए, यहाँ शॉर्टकट भी लेते हैं यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल नम पैड प्लस और शिफ्ट कंट्रोल नम पैड माइनस ठीक। आप इसको एज मोड में भी आप कर सकते हैं, इसको अगर ये सिलेक्ट किया ये सेट कर शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट कंट्रोल माइनस ठीक। और अपन देखते हैं फेस में, फेस में भी सब सेम है, बट इसमें रिंग और रिंग सिलेक्शन और लूप सिलेक्शन सेम ही रहता है। अगर मैं ऑल्ट के साथ भी वही करूंगा तो वही मेरे को वही रिजल्ट मिलेगा, अगर ऑल्ट कंट्रोल के साथ करूंगा तो तब भी मेरे को वही रिजल्ट मिलेगा। इसमें भी वैसे ही अगर मैं ऑल्ट के साथ करूंगा, ऑल्ट लेफ्ट देखिए यहाँ पे,
करूंगा तो वही मिलेगा, अगर ऑल्ट कंट्रोल लेफ्ट क्लिक के साथ करूंगा, कंट्रोल लेफ्ट के साथ करूंगा तो मेरे को सेम ही रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि इसमें ठीक। तो और शिफ्ट कंट्रोल वाला भी आप कर सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल मैं दिखा देता हूँ, शिफ्ट कंट्रोल ये वाला, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल प्लस, हाँ इसमें एक और जो होता है चेकर डी सिलेक्ट, मैं दिखा देता हूँ आपको एक और चेकर डी सिलेक्ट। अगर मैंने जैसे मैंने जो रिंग सिलेक्ट करी, जो पूरी रिंग या लूप कह लो जो भी सिलेक्ट करी, यहाँ पे ये लिखा चेकर डी सिलेक्ट, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये आपको ये देखिए, ये वन बाय वन आपको क्लिक करके देखा, जैसे मैंने होता है शिफ्ट शिफ्ट कंट्रोल नंबर नंबर प्लस में एक और आप तरीके से कर सकते हैं, तो ये वाला तरीका था चेकर डी सिलेक्ट वाला। अब यहाँ पे लिखा है कि आपको एक पैनल ओपन वो हो जाएगा डी सिलेक्ट का, अगर ये देखेंगे डी सिलेक्ट कितना, अगर मैं इसको टू कर देता हूँ तो कर देता हूँ तो ऐसा आएगा, और अगर फिर से कर दें हर दो उसके बाद, जैसे देखिए हर जो दो उसके बाद आपको सिलेक्ट करके देगा, अगर मैं कर देता हूँ तो वन उसके बाद ये करके आपको देगा, मतलब वन का एक डी सिलेक्ट करके दो सिलेक्ट करने, एक डी सिलेक्ट किया ये आपको करना है दो सिलेक्ट करने है ठीक। और इसमें एक और सिलेक्शन है, ये सिलेक्ट मिरर सिलेक्शन कहते हैं, मिरर सिलेक्शन शिफ्ट कंट्रोल एम, अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने ये यहाँ पे सिलेक्शन क्रिएट करी, अगर शिफ्ट कंट्रोल एम प्रेस करूंगा तो इसकी अपोजिट में जो एक्स में आएगा, एक्स डायरेक्शन में, वो आपको सिलेक्ट करके देगा, शिफ्ट कंट्रोल एम मिरर सिलेक्शन, मिरर सिलेक्शन कहते हैं। और एक और सिलेक्शन है यहाँ पे, सॉरी मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ गया, जैसे मैं ये फेस सिलेक्ट करी, अगर मैं कंट्रोल प्लस करूंगा तो ये सिलेक्ट मोर करेगा, फिर से कंट्रोल प्लस सिलेक्ट मोर, कंट्रोल प्लस सिलेक्ट मोर और कंट्रोल माइनस सिलेक्ट लेस ठीक। जैसे मुझे सिलेक्ट मोर सिलेक्ट माइनस, तो यहाँ से ये शॉर्टकट, और आप देख सकते हैं इसका शॉर्टकट आपको यहाँ मिल जाएगा सिलेक्ट मोर लेस में, अगर मैं यहाँ लिखा कंट्रोल नंबर प्लस ये मोर, फिर से अब मैं फिर से जाऊंगा ये मोर सिलेक्ट मोर सिलेक्ट माइनस ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आप मैंने काफी हद तक कोशिश करी है बेसिक से बेसिक सिलेक्शन बताने की इन एडिट मोड, अगर मैं ब्लेंडर से रिलेटेड थोड़ा बहुत भी आपको सिखा पाया हूँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसी लगी, और शेयर माय वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जब भी चैनल में नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख पाए, और प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो रेड बटन देख रहे हो तो प्रेस करके जाइए, जिससे मेरे को काफी मोटिवेशन भी मिलेगी और हेल्प भी मिलेगी थोड़ी बहुत, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए रियली थैंक यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।